व्हाट्सअप गाइस, आज मैंने एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो कि है हमारा बैटरी टेस्टर। दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको खरीदना हो तो वीडियो से लेके वहां से आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा था और इस तरीके का कोई ऐड आया रील के अंदर, तो मैंने सोचा क्या चीज़ भाई, मैंने ऑनलाइन सर्च करी और बड़ी ही कमाल की चीज़ है। सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इसके अंदर आपको बैटरी टेस्ट करने के लिए कोई भी इसके अंदर बैटरी नहीं लगती। जी हाँ, आपकी जो फ़ोन की जो आपके सेल हो गए, 9 वोल्ट की बैटरी होगी, छोटे घड़ी वाले सेल हो गए, रिचार्जेबल सेल्स हो गए, उनके अंदर की पावर से ये चलता है और 1 सेकंड के अंदर ही 2 सेकंड के अंदर आपको बता देता है कि आपकी बैटरी के अंदर कितनी पावर है। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, सेल को लगाए रखेंगे तो वो बैटरी उसकी ड्रेन करेगा, तो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो पावर से मशीन चल रही है वही आपका सेल ही होगा। तो आपकी बैटरी अगर आप लगाएंगे 10 मिनट के लगाएंगे, 15 मिनट लगाए रखेंगे तो उसकी जो है पावर वो कम होती रहेगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए इसको बताता हूँ कौन कौन से सेल इसके अंदर आपके लग सकते हैं। मेरे पास भी कुछ अवेलेबल हैं तो वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो आइए, ये हमारी मशीन है और आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो बड़े जो घर के अंदर नॉर्मल रिमोट के सेल्स होते हैं और जो आप पेंसिल टाइप सेल कह सकते हैं वो यहाँ पे ये वाले सेल लगते हैं। नीचे की तरफ यहाँ लगता है 9 वोल्ट की बैटरी, जैसे कि ये वाली बैटरी है, और आप जो है ये छोटा सा बटन वाला जो है जो घड़ी के अंदर भी लग सकता है, छोटे मोटे गाड़ी के जो सिस्टम होते हैं उनके अंदर भी यही वाला सेल डलता है, बटन सेल कहते हैं, तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इस करूँगा, आपको चला के दिखाता हूँ हमारा बटन वाला सेल। तो यहाँ आप चेक कर लेंगे प्लस माइनस कहाँ पे है, तो ऊपर की तरफ यहाँ देखेंगे प्लस है, तो यहाँ ऊपर की तरफ हमारा प्लस होता है और मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसके अंदर पावर आ रही है, अगर मैं ज़्यादा देर रखूँगा तो इसकी जो बैटरी है वो ड्रेन होगी, तो बस आपको 1 सेकंड के लिए ही वो चेक करना है, आप जो है आपको हटा देना तो आपको पता चल जाएगा कितनी इसकी पावर है। साथ ही साथ दिखाऊंगा ये वाली बैटरी बिल्कुल खाली है, मैंने अपनी टंग को भी टच करके देखा है तो इसके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं, और आप अगर मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा तो यहाँ बिल्कुल जीरो दिखाएगा। तो ये हमारा प्लस माइनस यहाँ टच करता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल कोई पावर नहीं आ रही, तो जो हमारी बैटरी ख़राब है उसके बारे में भी पता चल जाता है। ये हमारे छोटे जो है रिमोट और एसी के अंदर रिमोट जो लगते हैं सेल के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमारी पावर आ रही है। और ये बड़े वाला सेल है जो रिचार्जेबल बैटरीज वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। आई थिंक ये शायद कनेक्ट होगा नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने टेप लगा रखी है और अभी शायद इससे चलेगा नहीं। और भैया चल जाओ भाई, अभी नहीं यार आ गया, इसके अंदर पावर भी आ गई, आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4 वोल्ट की है। ये रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, इनको भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ क्योंकि कितनी आप जो है बैटरी आपकी रिचार्ज सेल के अंदर बची है। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए यूज़फुल होती है, जो कैमरा वगैरह यूज़ करते रहते हैं उनको पता होता है, तो ये भी हम ऐसे ही लगा सकते हैं और इनको भी पता चलेगी कि आपके सेल के अंदर कितनी बैटरी बची है। 1.5 वोल्ट के होते हैं फुली चार्ज होने के बाद, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों ये था हमारा बैटरी टेस्टर, बहुत ही लाइट वेट है और काफ़ी सारे इसके अंदर बैटरी जो है वो आप लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा खास बात है इसके अंदर कोई वायरिंग वाला इशू नहीं है, क्योंकि कुछ बैटरी टेस्टर होते हैं कि उनके अंदर आपको वायर लगानी होती है, फिर आप उसके अंदर छूते हैं तब जाके आपको पावर जो पता चलती है कि आपके पास कितनी बैटरी बची हुई है। काफ़ी ड्यूरेबल है और मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। वीडियो की लिंक है वहाँ मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से अमेजोन से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।